धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आप लोगों ने देखा समय समय पर मेरे द्वारा तैयार किए हुए विद्वान किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो संदीपन रॉय के नाम से हो, चाहे वो गणेश दास जी के नाम से हो, चाहे वो जीतेंद्र के नाम से हो, बहुत सारे लोग हैं इस तरीके से जो काम कर रहे हैं। आज आप लोगों के सामने एक वीडियो प्रस्तुत है प्रोफेसर विप्लव मंडल जी का। देखिए किस तरीके से वो बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। वो बंगला भाषी हैं तो हिंदी में थोड़ी कमज़ोर है या हिंदी में थोड़ी कमी है, उसको नज़रअंदाज कर देना, लेकिन वो बोल क्या रहे हैं उस पर विचार करना है। इसीलिए मैं पहले ही बोल रखा हूँ, उन्जुर इला मा काला वला तन्जुर इला मन काला, कि कहने वाले को न देख बात को परख। बात को परखना चाहिए, कहने वाले को नहीं देखना चाहिए कहने वाले क्या कह रहे हैं। तो इस प्रकार मैं अपनी पीढ़ी तैयार करने में लगा हूँ, जो मेरे ना रहने पर भी ये सिलसिला जारी रहे, ये काम चलती चली जाए, सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करने के लिए ये जो बीड़ा मैं उठाया हूँ, ये आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के योगदान से ही ये काम चलना संभव है। तो उसी हिसाब से आप लोग अपना विचार करना, वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बिल दबाना ना भूलना। इन शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पलारी, बहुत 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 धन्यवाद बाबू आपको। अब विप्लव मंडल जी बताइए कुछ। हाँ जी नमस्ते जी, सुनाई दे रहा है हमें? बिल्कुल। अच्छा तो मैं फिलहाल टॉपिक्स में ही रहना चाहूँगा। तो आज का टॉपिक से अल्लाह और इस्लाम का मतलब शांति अमन वाला दो एक है या अलग। तो इस्लाम के साथ तो दूर दूर तक शांति या अमन का कोई रिश्ता ही नहीं है। मैंने देखा हूँ कुछ मौलाना लोग टीवी में आता है और बहुत सारा बड़ा बड़ा बात करता है, जबकि खुद मौलाना लोगों का मतलब ये कहना है कि इस्लाम अमन का मजहब है। पर इस्लाम इसके बारे में क्या कह रहा है? बकौल मुसलमान, अल्लाह का सच्चा रसूल क्या कह रहा है? एक हदीस का किताब है जिसका मुसन्निफ है इमाम मुहियुद्दीन हियाया अन्नवी, जो इमाम अन्नवी के नाम से मशहूर है, जिसने सही मुस्लिम का सरा किया। तो उसका एक हदीस का किताब है रियाजुस सालेहिन। अगर हम लोग उस किताब के सही हदीस को देखें, हदीस नंबर 423 में अगर हम लोग देखें तो एक हदीस मिलता है हमें जो इस्लाम का पोल पट्टी खोल देता है। कुछ इस तरह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग गुनाह ना करते, अगर इंसान गुनाह ना करते तो अल्लाह एक दूसरा इंसान मतलब खलक करता या दूसरा इंसान पैदा करता जो खुद गुनाह करता और गुनाह करके फिर अल्लाह से ही माफी मांगता और अल्लाह उसे मतलब समा कर देता और खुश होता। अब बताइए, तो अगर दुनिया वाला इंसान अगर गुनाह छोड़ दे, अमन पसंदीदा हो जाए, तो अल्लाह उससे संतुष्ट नहीं है। अल्लाह चाहता है कि वो गुनाह करे, करके हमसे माफी मांगे, तब मैं खुश हूंगा, माफ कर दूंगा। वो तो इसलिए ना कि अल्लाह माफ करने वाला है या नहीं है उसका प्रमाण देने के लिए बताया। ठीक है, तभी अगर मान लीजिए मैं किसी देश या राष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर हूं, तो मैं क्या चाहूंगा? तमाम दुनिया का मतलब तमाम मेरा राष्ट्र का मतलब मेरा देश का जितना भी इंसान है वो सब आराम से रहे और अमन चैन से रहे, यही चाहूंगा ना। ना ऐसा चाहूंगा कि सब कोई कत्ल गारत करता रहे, फसाद फैलाता रहे, फिर हमसे माफी मांगे, ऐसा चाहूंगा क्या? नहीं चाहूंगा। अगर ऐसा चाहने लग गया तो मुझे क्या इस्लाम वाले अमन दीदा ही रहे। ठीक है, तो अमन दीदा मुझे पीएम कहेंगे या कुछ और कहेंगे? तो अल्लाह को तो अमन चैन तो पसंद नहीं है। अगर अमन चैन पसंद होता तो अल्लाह तो
पहले बारी में खुश हो जाता जो चलो यार सब के सब मतलब गुनाह से पाक हो गया है, तो अल्लाह उससे खुश नहीं है। अल्लाह किससे खुश है कि वो गुनाह करे, करके फिर माफी मांगे, तब अल्लाह खुश हो जाए। तो इस्लाम के साथ दूर दूर का अमन का कोई रिश्ता नहीं है। अगर कोई मौलाना हमें साबित कर दे कि इस्लाम अमन का मजहब है, तो मैं उसी टाइम उसके हाथ में बैत करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरा बात, अगर ये लोग इतना ही कह रहा है कि इस्लाम अमन का मजहब है, तो आज का जमाने का बात छोड़ दीजिए, ये लोग हमें सिर्फ यही कह दे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि मुसलमान आपस में बहुत नरम दिल होते हैं और काफिर के बारे में बहुत सख्त दिल होता है। यानी मुसलमान आपस में बहुत रहम दिल होते हैं और जब बारी आए काफिर के तो बहुत सख्त होते हैं। क्या कुरान का अल्लाह का ये बात सही है? जबकि बाद में अल्लाह पकड़ा गया, जब बात में पूरा टटोला गया तो अल्लाह तो फंस चुका है इस बात में, अल्लाह का झूठ तो पकड़ा गया। और अगर अल्लाह का ये बात सही है तो मुसलमान हमें जवाब दे कि जब रसूल का इंतकाल हुआ, 3 दिन तक रसूल का लाश ऐसे ही पड़ा रहा और उधर सहाबी खिलाफत को लेकर अपने में लड़ना चालू कर दिया, तो वो सहाबी कौन था? जब रसूल हजरत फातिमतु जहरा को बागे फदक लिखकर दे दी, तो उस बाग को छीनने वाला कौन था? सरदारे खातून जन्नत हजरत फातिमा के ऊपर जलता हुआ दरवाजा फेंकने वाला, जिसके कारण हजरत फातिमा के पेट में रहने वाला बच्चा जिसका नाम मोहसिन था वो शहीद हो गया। बाद में हजरत फातिमा का भी इंतकाल हो गया, तो हजरत फातिमा को कत्ल करने वाला कौन था? हजरत अली करीमुल्ला वजहुल करीम के गले में रस्सी डालकर खींचने वाला कौन था? कोई काफिर था या मुसलमान? जवाब हमें दीजिए। हजरत उमर को कत्ल करने वाला कौन था? किसने कत्ल किया था हजरत उमर को? वो दोनों कौन था जिन्होंने हजरत उस्मान को कत्ल किया, वो भी सबके सामने कत्ल किया? कौन था वो, काफिर या मुसलमान? कौन था वो इंसान और किसने उन्हें मस्जिद कूफा में घुसने की मदद की? कौन था वो इंसान जिसने हजरत अली को नमाज पढ़ते हुए कत्ल किया? वो कौन था जिन्होंने इमाम हसन को जहर पिलाया और पिलाने में शरीक भी रहा? जो नहीं चाहते थे इमाम हसन का जनाजा रसूल के पास हो, वो कौन थी जिसके हुक्म से इमाम हसन के जनाजा में तीर बरसाया गया? काफिर था या मुसलमान? वो कौन था जिसने उम्महतुल मोमिनीन हजरत आयशा को कत्ल किया और जिंदा मिट्टी में दफना दिया? कौन था वो, मुसलमान या काफिर? हजरत अम्मार बिन यासिर को कत्ल करने वाला कौन था, मुसलमान था या काफिर? हजरत अबू जर गफ्फारी का कत्ल किसने किया, मुसलमान या काफिर? हजरत मालिक इब्ने नुरैरा को कत्ल किसने किया था, मुसलमान या काफिर? वो कौन सहाबी था जिन्होंने मालिक इब्ने नुरैरा को कत्ल किया, उसी की बीवी लाइला बिनते मिनहल का इज्जत लूटा और उसी के शौहर के खून के ऊपर लेटा कर? कौन था वो, सहाबी था या काफिर? जंगे जमल में 70,000 सहाबी कत्ल हुआ, उन लोगों का कत्ल किसने किया था, काफिर या मुसलमान? जंगे जमल में हजरत अली और आयशा आपस में लड़ गए, तो इन दोनों में जन्नत कौन जाएगा और जहन्नुम कौन जाएगा? क्योंकि रसूल ने फरमाया अगर मुसलमान आपस में लड़ता है तो दोनों के दोनों ही जहन्नम में जाएगा। तो कम से कम मुसलमान हमें तो ये बता दे कि अब दोनों में कौन से जन्नती है और कौन जहन्नमी। जंगे नहरबान में हजारों सहाबी कत्ल हो गया, उसका कातिल कौन था? वो कौन था जो मुसलमान का मामू जान कहलाता है, काफिर था या मुसलमान? इमाम हसन को कत्ल किया, 72 थे उनके टीम में, इमाम हसन के टीम में ओनली 72 थे, पर उसे कत्ल करने आया था कितना, 9,000, कुछ सनद में मिलता है 22,000, कहीं लाख भी बताता है तो वो बात अलग है, पर इमाम हसन को जिसने कत्ल किया था वो लोग कौन था? क्या उनमें सहाबी नहीं था, ताबेई नहीं था या ताबे ताबेई नहीं था, बताइए। तो अल्लाह जो फरमाया जो मुसलमान आपस में बहुत रहम दिल होता है,
कि अल्लाह का ये बात सही है या अल्लाह का झूठ पकड़ा गया, सोच के बताइए। वो इस्तेहादी खता बात है, ईमान इस्तेहादी खता तुम भाई अपने पास रख लो भाई, अल्लाह से भी इस्तेहादी खता तो भाई, तो वही तो बात है, इस्तेहादी खता ही तो इस्लाम है, पूरा खता ही इस्लाम है। अमन वाला मजहब क्यों बोल रहे हो? ये लोग कह रहा है कि अल्लाह ने बताया कि गैर मुस्लिम को गाली मत दो, जबकि अल्लाह खुद गाली देता है, अल्लाह खुद गाली दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गाली दिया है, सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक भी गाली दिया है, मुआविया उसने भी गाली दिया है, किसी और को तो दूर के बात, खुद हजरत अली को गाली दिया है। तो ऐसा तो बात है, तो इस्लाम के साथ अमन का कोई रिश्ता नहीं है। जो लोग इस्लाम में है उसे चाहिए कोई और बिजनेस ढूंढ ले, चाय बेचे या और कुछ बेचे, इस्लाम को छोड़ दे अमन बोल रहा, क्योंकि अमन का साथ कोई रिश्ता नहीं है इस्लाम का। तो अगर जिन लोगों को शक है तो इमाम अन्नावी के रियादुस सालेहीन वाला किताब हदीस नंबर 423 चेक कर सकता है। और इसका एक मशहूर किताब है मुस्लिम शरीफ, इसने मुस्लिम शरीफ का व्याख्या किया है, तफसीर किया है, अनमिनहाज किताब का नाम है, उसमें भी चेक कर सकते कि सही मुस्लिम में भी ये हदीस आया है। ठीक है, अगर कोई और कुछ बोलना चाहते हो बता सकते हैं। नमस्ते पंडित जी, बोलिए। रजनी जी नमस्ते, रजनी शर्मा जी क्या लिखा, सादर प्रणाम आदरणीय पंडित जी, आपका कार्य अनुसरण करने योग्य है, मैं आपके कार्य से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद है बाबू, क्या आप इस तरीके से हम लोगों को देखते हैं, हम लोगों के प्रोग्राम को सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देव जी क्या लिखते हैं, मूर्ति खुदा से इस्लाम परेशान, आर्य समाज परेशान, कौन सी मूर्ति ने किसको झापड़ मारा कोई बताएगा, बड़े बड़े मंदिरों में कितनों का पेट पाल रहे हैं, लोगों लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है, मूर्ति किसी का गलत नहीं करती, लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है, उससे तो बेहतर यही है कि कटोरा लेकर के सड़क पे निकलो, उसमें क्या परेशानी है। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा पंडित जी। हाँ जी जी, एक्चुअल लाखों को लोगों का काम तो दरगाह पे भी मिलता है, तो उसे भी सच मानना शुरू कर दूं क्या? सिख के गुरुद्वारा में लाखों लोगों को खाना दे रहा है, तब उसको भी सही मानना शुरू कर दूं, वेद को छोड़कर गुरु ग्रंथ को सर पे उठा लूं, तो क्या किसने किसको दिया? देखिए, मूर्ति पूजा जो करता है उसमें ईश्वर का अपमान होता है, हम लोग इसलिए नहीं, वो अगर ऐसा करता तो ठीक है, पर ईश्वर का अपमान होता है। वेद में कहा है सिर्फ ईश्वर ही उपासना योग्य है, किसी और को उपासना योग्य मत बनाओ, इसीलिए हम लोग विरोध करते हैं। ऐसा कोई हमारा जाति दुश्मनी तो है नहीं, और हमारा आर्य समाज में बहुत सारा लोग हैं जो पहले पौराणिक था, बाद में वेदों को जाना, फिर सनातन विशुद्ध सत्य सनातन वैदिक धर्म अपनाया, ऐसा तो बात है। और जबकि खुद पुराण तो कहता है मूर्ति पूजा, मतलब श्रीमद् भागवत भी कह रहा है मूर्ति पूजा के विरुद्ध में, क्या बोलते आचार्य चाणक्य भी मूर्ख बताया मूर्ति पूजा करने के लिए, इसलिए हम लोग नहीं करते, क्योंकि उसमें ईश्वर का अपमान होता है। क्या जोगेश्वर श्री कृष्ण कभी ने मूर्ति पूजा किया है, या मर्यादा पुरुषोत्तम ने कभी मूर्ति पूजा किया है, या कोई भी मुनि ऋषि ने किया है? नहीं किया, सबके सब यज्ञ करता था। इसलिए हम लोगों को यज्ञ करना चाहिए, ईश्वर का उपासना करना चाहिए, ऐसी कोई वस्तु का उपासना नहीं करना चाहिए जो खुद अपने आप को मतलब कुछ नहीं कर पाता, तो हमारा रक्षा कैसे करेगा, यही सोचना चाहिए। भारत गुलाम तो मूर्ति पूजा के ही कारण हुआ ना, ये हम लोगों को सोचना चाहिए। हम तो अपना 56 कंट्री अपने हाथ से खो चुके हैं, अब भारत एक बच्चा कुछ है वो भी हम खो दे क्या? तो ये सनातनियों को समझना चाहिए, हम लोगों से सनातनियों का कोई ऐसा जाति दुश्मनी तो है नहीं, क्योंकि वेद ने मना किया, उपनिषद में भी साफ साफ बता है कि ईश्वर निराकार है, वेद में भी आया है निराकार है, तो ऐसे बहुत सारा बात है। इसलिए हम लोगों को साथ मूर्ति पूजा का कोई शत्रुता है नहीं, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने ही तो एक शिव मंदिर से ही सत्ता प्रकाश को लिखना शुरू किया था, ऐसा बहुत सारा बात है। इसलिए हम लोगों का जाति दुश्मनी है नहीं, क्योंकि इससे ईश्वर का अपमान होता है, इसलिए हम लोग मना करते हैं, और कोई बात नहीं है। और अगर इससे कुछ लोगों को फायदा मिले तो सबको ही तो फायदा मिलता है, इसलिए सबको ही सही मानना शुरू कर दो। इससे पहले एक कमांड आया था जो कह रहा है कि मूर्ति पूजा का विरोध ना करिए, तो भाई किस दिन तो इस्लामी लोग बोलना शुरू कर दे इस्लाम का विरोध मत कीजिए,
बुद्धिस्ट लोग भी कहेगा हम लोगों का विरोध मत के लिए, तो हम लोग किसी और का विरोध करते नहीं, हक और बातिल के लिए बात करते हैं, असत्य का विरोध करते हैं। हो गया है।